डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 11th के अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, पिटवा लोहे का विकास, समाजवाद, भाप की शक्ति और भाप इंजन आदि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कैसे उद्योगों का विकास हुआ, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी और उससे पूरे विश्व में किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, कृषि में बदलाव आए, लोहे और इस्पात के उदय से लोहे का विकास हुआ और अन्य प्रकार की संस्कृतियों से इसका उदय हुआ है। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की समाजवाद या सोशलिज्म की भावना बढ़ी है समाज में, भाप की जो शक्ति थी उसका उदय हुआ, जैसे भाप का इंजन बना, ट्रेनों का आविष्कार हुआ और इन सब चीज़ों से पूरे विश्व में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, किस प्रकार से इसकी मतलब क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का सब प्रश्न है, ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, 1780 में, 1790 में, 1850 में या 1860 में। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी वह ब्रिटेन में हुई थी। पहली जो औद्योगिक क्रांति थी वह 1780 के दशक से और 1850 के दशक के बीच में हुई थी। इसमें उद्योगों और अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया था। इसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और जब दूसरी औद्योगिक क्रांति थी वह 1850 के दशक के बाद आई थी। इसमें रसायन और बिजली मतलब केमिस्ट्री है जो और जो जिस तरीके की बिजली की जो चीज़ें थी उनमें परिवर्तन आया था। इस शब्द का जो प्रयोग था मतलब जो औद्योगिक क्रांति थी उसका सबसे पहला प्रयोग यूरोपीय विद्वानों ने किया था, जैसे कि जॉर्जिस मिशले जो कि फ्रांस के थे और एंजेलस ये जर्मनी के थे, इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने ब्रिटेन के औद्योगिक विकास का वर्णन किया था। ब्रिटेन एक पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया था। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था और एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। औद्योगिक क्रांति के कई प्रभाव हुए थे, जैसे सकारात्मक प्रभावों में यह आया था कि इससे नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और मानव को भारी भरकम कामों से छुटकारा मिल गया। औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात और संचार के साधनों में आविष्कार हुए, जिससे परिवहन में बढ़ोतरी हुई और परिवहन सुगम हो गया, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आना इजी हो गया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य को आराम और सुख की जो चीज़ें थी वह सस्ती कीमतों पे नॉर्मल क्लास के लोग थे उनको भी मिलने लगी थी। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो एलीट क्लास था और जो शासक लोग थे सिर्फ उन्हीं के पास जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो सुख की वस्तुएं थी वह उन्हें ही मिलती थी। जो मिडिल क्लास या जो लोअर फैमिली के लोग होते थे उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण उन्हें भी सस्ती कीमतों पर यह चीज़ें मिलने लगी। इसके साथ साथ कच्चे माल में बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आए थे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया था कि बैंकिंग प्रणाली में भी विकास हुआ था, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव हुए थे, जैसे कि लोगों ने गांव के लोगों ने अपने घर छोड़े और शहरों की तरफ आए और वहां पे शहरों में रोजगार की तलाश के लिए वे आने लगे थे, जिससे वहां पे जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल और बेसिकली रहने की भी समस्या हो गई थी। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने लगा था और जो घरेलू और जो छोटे मोटे उद्योग थे वह बंद हो गए थे। उसके बाद समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग। फिर हम जानते हैं कृषि क्रांति के बारे में। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे छोटे खेत खरीद लिए थे और गाँव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी भू संपदाएँ बना ली, जिससे खाद उत्पादन में वृद्धि हुई थी। कृषि क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? इसकी जो प्रमुख कारण थे वह यह थे कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे नए नए टेक्निक्स का उदय हुआ था। इसके साथ साथ कलपुर्जों मतलब नई नई मशीनों का उदय हुआ था, जिससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी फायदा मिला था। लोगों को नए विकल्प मिले, वस्तुओं के लिए बिक्री के लिए बाजार विस्तृत हुआ था। बड़े जमींदारों ने अपने ही संपत्ति के आसपास छोटे खेत खरीदे और गांवों को उसकी सार्वजनिक भू जमीनों को घेर लिया था। इसकी भू संपदा बढ़ने से खाद उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी।
फिर हम देखते हैं कि ब्रिटेन में तीन हिस्से में ब्रिटेन के तीन हिस्से और उसकी विशेषताओं के बारे में। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन के तीन हिस्से थे जिस पे एक ही राजतंत्र था, एक ही सम्राट का शासन था। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषता ये थी कि संपूर्ण शासन में एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था लागू हुई थी। यहाँ पर एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली जो सिस्टम था वह भी एक ही था। इन सभी के लिए बाजार व्यवस्था भी एक ही थी, अर्थात यहाँ पर जो व्यापार करने वाले जो लोग थे वहाँ उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए अलग से कर चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर हम देखेंगे पिटवा लोहे के विकास के बारे में। द्वितीय डर्बी 1711 एक और 1767 के द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया था और लोहे का विकास किया था। लोहे के विकास से समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, समाज में अनेक प्रकार की चीज़ें बनने लगी थी। जिस तरीके से आपने देखा कि पुल बन गया जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और आवागमन की जो सुविधा थी वह इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी। फिर हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन बहुत ज़्यादा सुविधापूर्ण और आनंददायक था। इसके विपरीत हम देखेंगे कि निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया था। जो महिलाएं थीं उनकी मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम थी। महिलाओं को जो काम था वह निम्नतम परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, मतलब हमने यह देखा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी महिलाएं जो थीं उनको वित्तीय स्वतंत्रता मिली जिससे उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई थी। काम की घटिया परिस्थिति के बारे में आंदोलन होने लगे और लोग आंदोलित होने लगे थे। बच्चों के लिए मतलब ये बहुत एक जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ख़राब सिचुएशन थी कि उन्हें ऐसी स्थिति में काम करना पड़ता था। बच्चे जो होते थे वह मशीनों में फंस जाते थे और उनके हाथ कुचल जाते थे और यहाँ तक कि बच्चे मर भी जाते थे। और कोयले खानों का जो रास्ता होता था वह काफ़ी संकरा होता था जिसमें बड़ा एक जो वयस्क होता था वह नहीं जा सकता था, तो वहाँ पर उन्हें हम बच्चों को भेजते थे वो लोग, जिससे दुर्घटना का जो भय था वह लगातार बढ़ता रहता था। इसलिए हमने देखा कि जो औद्योगिक क्रांति थी उसका जो दुष्प्रभाव यह था कि महिलाओं और बच्चों का शोषण बहुत हद तक हुआ था, जिसकी वजह से आगे जो कानून आए थे जैसे जो हम देखेंगे आज भी जिस तरीके के श्रम कानून हमें सब पूरे दुनिया में देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं वो, और हमारे जैसे बाल श्रम पे रोक है या महिलाओं के साथ भी एक तरीके का उनको एक तरीके की का लॉ मिला हुआ है और जिस तरीके की भी चीज़ें हैं वह यहीं से जब इनके और लगातार शोषण बढ़ता रहा तो उसके बाद कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए और ये चीज़ें आई थी। जैसे औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए कई सुधार किए गए थे। सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति के सुधार के लिए अनेक कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगाई गई। 9 से 16 वर्ष की आयु से जो बच्चे थे उनको काम कराने की जो सीमा थी वह 12 घंटे तक सीमित कर दी। 1833 के अधिनियम में 9 वर्ष से कम का आयु वाले जो बच्चे थे उन्हें सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों में काम लगाने की अनुमति दी गई थी। बड़े बच्चों के लिए भी काम के घंटे सीमित कर दिए गए थे और उनके लिए फैक्ट्री निरीक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी। फिर हम देखेंगे 1842 के कारखान और कोयला अधिनियम में 10 वर्ष से कम बच्चे और स्त्रियों से खानों के नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को और स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। इस तरीके से कई कानून बने जो श्रम कानून बने जो श्रमिकों और स्त्रियों के हित के लिए थे, और हम देखेंगे वर्तमान में भी हमें इस तरीके के कानून देखने को मिलते हैं जो हमें बाल श्रम से रोकते हैं या महिलाओं के शोषण से रोकते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का उदय हुआ था, एक था मालिक वर्ग दूसरा था मजदूर वर्ग। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुटीर और लघु उद्योगों के विनाश से ना बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और पूंजीपति वर्ग का काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था। औद्योगिकरण से क्या नुकसान हुआ? हम देखेंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों की तरफ आए थे तो उनके परिवार में बिखराव आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को अपना परिवार टूट गया था। रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा पलायन हुआ था। शहरों का रूप खराब हो गया था, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गई थी, यहाँ का रूप विकृत हो चुका था।
ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी थी इसका हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे जो गरीब मजदूर थे उनकी खास करके बच्चों की दुर्दशा हुई थी, पर्यावरण का लगातार क्षय हुआ और कई बीमारियाँ जैसे कि हैजा और तपेदिक जैसी बीमारियाँ लोगों के फैली थी और उनका कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। फिर हम देखते हैं समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। समाजवाद उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है। मतलब कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम देखेंगे कि हमने समाज में जितना भी उत्पादन हुआ है, जितनी भी चीज़ें हमने मिली हैं, उस पर पूरे समाज का स्वामित्व है। मतलब पूरे समाज का उस पर नियंत्रण है, वो सबका अधिकार होता है, केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत जो पूंजीवाद की स्थिति होती है, इसमें उत्पादन के उत्पाद के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जिसने वह पूंजी लगाई है, जिसने वह कारखाना इकट्ठा किया है या जिसने वह कारखाना बनाया है, केवल उस व्यक्ति का उसमें स्वामित्व रहता है। फिर हम देखते हैं धमन भट्टी के बारे में। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किए थे। इसका क्या लाभ हुआ था? इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया था। कोक में उच्च तापमान करने की शक्ति थी। यह पत्थर, कोयले से कंधक और अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था और इसके साथ साथ जो लोहा था वह अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा था और बढ़िया और इसकी लंबी ढलाई की जा सकती थी। फिर हम देखते हैं भाप की शक्ति के बारे में। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का उपयोग होने लगा। भाप का व्यापक उपयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों के परिवहन की गति तेज हो गई थी। भाप की शक्ति का सबसे पहला उपयोग जो था वह खनन उद्योग में किया गया था। इसकी जो विशेषताएँ थी, भाप की जो शक्ति थी वह उच्च तापमान पर दबाव पैदा करती थी जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का एक ऐसा अकेला स्रोत था जो कि बहुत ही भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया था। जेम्स वाट द्वारा हमने देखा कि भाप के इंजन की का आविष्कार किया गया था और यह जिसकी जो विशेषताएं वह यह थी कि यह केवल साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर चालक के रूप में कार्य करता था। इसमें कारखानों में शक्तिचालित मशीनों को ऊर्जा मिलती थी। इसके अतिरिक्त यह अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था और इससे इसका अधिक इस्तेमाल करने लगा था। फिर हम देखेंगे कि इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। धन, माल, आय, सेवा, ज्ञान, उत्पादकता, कौशल के रूप में अचानक वृद्धि हुई थी। फिर हम देखेंगे 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किया जिसमें कॉर्न लॉज अर्थात अनाज के कानून को समर्थन मिला। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया जिसलिए उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला और बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ हुई थी। वापस आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि ब्रिटेन के में पहले औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो इसका उत्तर है 1780 में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।